सेक्स के लिए जो लुब्रिकेंट्स आते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, और एक आम इंसान को जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान समझ ना हो उसके लिए कौन सा लुब्रिकेंट सबसे बेहतरीन होगा, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट drarodas.com के थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और अब आपका ये भाई हर हफ्ते शुक्रवार को रात को 9 बजे आप लोगों की सेक्स लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए आपके साथ YouTube के लाइव सेशंस में भी जुड़ने लग गया है। सो आप अपने कोई भी सवाल उस YouTube लाइव सेशंस में भी पूछ सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक को लेके बात करते हैं कि जो लुब्रिकेंट्स आते हैं वो कौन कौन सी टाइप के होते हैं। सो एक तो लुब्रिकेंट आते हैं जिसको हम बोलते हैं वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स, दूसरे होते हैं सिलिकॉन या किसी कोई कोई इसको जेल बेस्ड भी बोलते हैं, सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट्स। फिर कुछ लुब्रिकेंट्स आते हैं, दोज आर कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड एज यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम के हाइब्रिड वो चीज़ें होती हैं जिनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को एक तरीके मिक्स किया जाता है, दो या तीन टेक्नोलॉजीज को मिक्स करके बनाया जाता है, दैट इज कंसिडर्ड हाइब्रिड। सो हाइब्रिड जो लुब्रिकेंट आते हैं उनमें भी ऑयल बेस्ड का, सिलिकॉन बेस्ड का, वेरियस इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स कर के उनमें दोनों के कंटेंट होते हैं, उनको मिक्स करके हाइब्रिड लुब्रिकेंट बनाए जाते हैं। फिर एक आते हैं ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स। वैसे तो लोग अपने घर पे कोकोनट ऑयल भी यूज करते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जो ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और उसके अलावा नेचुरल लुब्रिकेंट्स भी आते हैं, मगर सबसे बेहतरीन एक आम इंसान के लिए, आम कपल के लिए कौन सा होता है अगर उसकी हम बात करें तो वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स सबसे बेहतरीन कंसीडर होते हैं। बिकॉज वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स मोस्ट ऑफ द स्किन को, जो लोग होते हैं कई बार बहुत बहुत सेंसिटिव स्किन होती हैं, किसी को किसी चीज़ों से एलर्जीज होती हैं, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स सबको सूट कर जाते हैं। हाँ, उनमें से भी कोई कोई केस ऐसा हो सकता है जिन्होंने यूज़ किया और उनकी स्किन ने कुछ एलर्जिक रिएक्शन शो किया, मगर वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स को सबसे सेफ कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो सेक्स टॉयज के साथ भी बहुत आराम से यूज हो सकते हैं, कॉन्डम्स के साथ, चाहे तो वो कॉन्डम लेटेक्स वाला हो चाहे बिना लेटेक्स का, बिकॉज आजकल नॉन लेटेक्स कॉन्डम्स भी आने लग गए हैं। कुछ फीमेल्स को लेटेक्स वाले कॉन्डम सूट नहीं करते, उनको लेटेक्स एलर्जी होती है, सो उनके केस को ध्यान में रखते हुए नॉन लेटेक्स कॉन्डम भी आते हैं। सो वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स जो होते हैं लेटेक्स कॉन्डम्स और नॉन लेटेक्स कॉन्डम दोनों पे यूज हो सकते हैं। ये वेजाइनल इंटरकोर्स में यूज हो सकता है, ये एनल सेक्स में यूज हो सकता है। सो एक आम आदमी के लिए अगर उसको बहुत उलझनों में नहीं उलझना तो वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स आर द बेस्ट ऑप्शन। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट अदर काइंड ऑफ लुब्रिकेंट्स ऑल्सो इन डिटेल, वो डिफरेंट वीडियोज में बात करूंगा, मगर आज के लिए आपको ये समझना है कि अगर आप लुब्रिकेंट को कंसिडर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट ही ट्राई करना चाहिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज को शेयर करना मत भूलिए। ये वो छोटी छोटी बातें जो लोगों को यहां और यहां दोनों जगह तंग करती होती हैं और उनके जवाब कई बार ढंग से मिल नहीं पाते हैं। आप और हम मिलके इन सही इंफॉर्मेशंस को दुनिया तक पहुंचा के लोगों की सेक्स लाइफ को बेहतरीन बनाने में मदद कर सकते हैं। और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज करीब हर रोज मेरा एक नया वीडियो आता है और वो वीडियो आप ही की सेक्स लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए होता है। कीप एंजॉइंग ग्रेट सेक्स लाइफ।